नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिनवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर कक्षा 8 के विषय गणित से संबंधित है, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली 2.1 करने से पहले अपने ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने पीछे पढ़ चुके हैं व्यंजकों के बारे में कि व्यंजक क्या होते हैं। आइए एक उदाहरण देता हूँ, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने एक समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ आपके, एक व्यंजक लिख रहा हूँ आपके आगे एक्स प्लस 3। तो यहां पर देखिए चर राशि और ये है एचर राशि। चर राशि यानी कि जिसका मान लगातार बदलता ही रहे, कोई भी प्रश्न हो हर प्रश्न में इसका मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। परंतु जो एचर राशि है, जो अपनी संख्याएं हैं, जैसे 3 है तो उस 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा, किसी भी प्रश्न में आ जाए इसका मान क्या रहेगा, 3 ही। तो ये है चर राशि और ये है अचर राशि। तो चर और अचर राशियां मिलकर क्या बनाती है, व्यंजक बनाती है। क्या बनाती है, व्यंजक। इनको क्या बोलते हैं, व्यंजक। देखिए अपने बीज गणित कर रहे हैं तो इसमें आपको ये सभी चीजें के बारे में पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है, कि जब एक चर राशि और एक अचर राशि को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ लिखा जाए, चाहे वो जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ या भाग के साथ अगर इनको लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, व्यंजक। अब आइए इसी व्यंजक को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक्स जमा 3 बराबर 6। तो अब ये क्या बन जाता है, अब इसको अपने क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। एक बीज गणितीय क्या कहलाती है, ये समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण, बीज गणितीय समीकरण भी कह सकते हैं और साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं, अपने समीकरण कहते हैं। तो यहां पे देखिए क्या जो नया क्या है, ये जो व्यंजक लिखा था आपने, व्यंजक और एक अचर राशि लिख दी, इनके बीच में सिर्फ समता का चिन्ह लगा दिया। ये जो किसका चिन्ह है, समता का चिन्ह है, जिसको अपने बराबर का चिन्ह भी बोलते हैं। इस तरह से अगर इसको लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब समीकरण में समता के चिन्ह की वजह से कितने भाग हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं, ये बायां भाग और इस तरफ का भाग क्या कहलाता है, दायां भाग। समीकरण के इस तरफ का भाग बायां भाग या बायां पक्ष और ये दायां भाग या दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या, इंग्लिश में अगर इसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ये समीकरण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आप आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले से पहले देखते हैं रैखिक समीकरण, ये तो क्या सामान्य समीकरण आ गई। तब रैखिक समीकरण क्या होता है, अगर मैं इसी तरह इस समीकरण में 2-3 समीकरण लिखता हूँ आपके आगे, एक्स प्लस 4 बराबर 8, दूसरी को लिख देता हूँ 2a² प्लस 3 प्लस एक्स बराबर 8, या एक सामान्य इस तरह भी लिख दूं एक्स प्लस 4 बराबर 8। तो यहाँ देखिए ये तीनों के तीनों क्या है, समीकरण हैं। ये तीनों क्या है, समीकरण है, परंतु रैखिक समीकरण है। और एक चर वाले समीकरण इनमें से कौन सी है, जिनकी घातांक, जिसमें जो चर राशियाँ हैं, इसमें चर राशि कौन सी है, एक्स है। जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है वो क्या, उनको आपने किस रूप में लिखते हैं, चर राशियों के संकेतों के रूप में लिखा जाता है। इस समीकरण में अगर चर राशि की बात करें तो यहाँ पे दो चर राशियां हैं, एक तो a है और दूसरा x है। तीसरी समीकरण में बात करें तो यहाँ भी चर राशि कितनी है, x है। पर एक चर का अर्थ क्या है, कि यदि किसी समीकरण में चर राशि की घात, अधिकतम घात क्या हो, एक हो, अधिकतम घातांक कितनी हो, एक हो, तो वो जो समीकरण है वो क्या कहलाएगी, एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसमें एक की घात 2 है
इसका अर्थ ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। इसमें भी x की घात 2 है तो इसको भी अपने एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। तो अपने रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये वे समीकरण जिनमें समीकरण को बनाने में व्यंजकों में केवल एक ही चर हो। इसमें जैसे दो चर आ रहे हैं, एक तो दो चर नहीं होने चाहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की शर्त क्या है, पहली शर्त तो यह है कि सिर्फ चर कितने हो, चर केवल एक हो, चर केवल क्या होना चाहिए, एक हो, और वो जो चर एक है उस चर की अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, अधिकतम घातांक एक होनी चाहिए, यानी कि x की घात 2, 3, 4 नहीं होनी चाहिए। अगर x अगर चर राशि है तो उसे x की घात एक ही होनी चाहिए। तो ये होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये बेसिक अपने 2.1 से पहले आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब अपने ये प्रश्नों को हल करेंगे तो अच्छी तरह से इसको सीख पाएंगे। एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि वे समीकरण जिनमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में सिर्फ एक ही चर हो, इस समीकरण को ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं इसके, जिसमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में, ये व्यंजक कहलाते हैं, समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में सिर्फ एक ही चर हो और उस चर की अधिकतम घातांक एक ही होनी चाहिए। यहां एक्स की घात क्या है, एक है, जिसको अपने यहां लिखना जरूरी नहीं होता। अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए, एक होती है, उस समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 2.1। इसमें आपके कुल 12 प्रश्न हैं। इन 12 प्रश्नों में से मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो एक जैसे जैसे पद प्रश्न हैं उनमें से एक एक दो दो कराऊंगा। हर टाइप के अपने प्रश्नों को इनमें लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है x-2=7। तो इन सभी में अपने को x का मान ज्ञात करना है। इन सभी में क्या है, x का मान ज्ञात करना है। और ये सारे के सारे जितने आपके ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एक चर वाली रैखिक समीकरणों के ही है। तो आइए पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं। इन तीनों में से कोई भी अपने एक कर लेते हैं, अपने पहला ही कर लेते हैं। पहले में देखिए, डायरेक्ट लिखता हूं हल। प्रथम x-2=7। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें जो बराबर का चिन्ह है या समता का चिन्ह है, इस समता के चिन्ह के बाईं तरफ चर राशि को लाने की आपको प्रयास करना है। कोई भी प्रश्न हो उसमें अगर चर राशि इस तरफ लिखी हुई है तो आप उस चर राशि को सबसे पहले किधर ले आइए, बाईं तरफ लेके आना। तो बाईं तरफ जब चर राशि लाएंगे, यहां पहले से ऑलरेडी बाईं तरफ ही है तो अपने को चर राशि लाने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरा अपने करेंगे, उसमें बता देंगे किस तरह से लाएंगे। तो सबसे पहला जो चरण है तो वो क्या करेंगे, देखिए x-2=7। तो चर वाला जो व्यंजक है, चर वाला जो पार्ट है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये -2 है, x-2 है। तो अगर दोनों तरफ प्लस का 2 जोड़ना है, इधर भी प्लस का 2 जोड़ा जाए, इधर भी प्लस का 2 जोड़ा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ यही करते हैं, x-2 तो है ही, इसमें भी क्या जोड़ा, प्लस का 2, और बराबर के बाद भी इधर भी प्लस का 2 जोड़ा, और यहाँ आप थोड़ा लिख दे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। 2 ही क्यों जोड़े, क्योंकि इधर -2 है ना, तो 2 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखिए, या -2 और +2 क्या हो गए, 0, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। x बराबर कितने हो गए, 7 और 2, 9, ये अपना क्या आ जाएगा, हल हो गया, उत्तर आ गया। इसी तरह दूसरा, आवश्यकता नहीं इसके जैसा है, तीसरा देखिए इसी का, 6=z+2, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है कि जो चर राशि है, ये सुविधा के रूप में बता रहा हूं आपको कि जब भी आपके माइंड में ये रहेगा कि चर राशि बाईं तरफ होगी तो आसान रहेगी, सवाल जो प्रश्न है वो हल करने में आसानी रहेगी। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को अपने इधर ला सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं, कोई भी चेंज
नहीं होता। ये तराजू के दो पलड़ों की तरह है कि उसका अगर साइड अपने चेंज कर दे उनमें से बिना कुछ वजन निकाले हुए तो वो क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। इसीलिए अपने लिख देते हैं इसको या जेड प्लस दो बराबर छः। अब क्या करना है, जेड का मान निकालना है तो ये चीज हटानी है अपने को प्लस दो, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में दो घटाएंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे दो घटाएंगे। तो जेड प्लस दो है इसमें से क्या है दो घटाया, और इधर दूसरे पक्ष छः में से भी दो घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख देना है आपको कि दोनों पक्षों में से दो घटाने पे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक पक्ष में से नहीं घटाना, ऐसा नहीं कि इधर इधर से घटा दो इधर से नहीं घटाओगे तो आपका प्रश्न गलत आ जाएगा। जो भी घटाओगे गुणा करोगे जोड़ करोगे भाग करोगे वो दोनों पक्षों में होना चाहिए। तो यहां देखिए दोनों पक्षों में घटा दिया, तो दोनों पक्षों में क्यों घटाते हैं इसका मैं थोड़ा बता ही देता हूं आपको। जैसे तराजू या जो तुल्ला है, अभी उदाहरण दिया था इस तरह से, मान लेते हैं इसमें दोनों तरफ कितना, इधर भी 5 किलो वजन है और इधर भी 5 किलो वजन है, तो ये क्या रहेगी बराबर रहेगी। परंतु यदि मैं 1 किलो वजन इसमें रख दूं इस पक्ष में और इस पलड़े में रखूं ही नहीं तो क्या हो जाएगा असंतुलन हो जाएगा। इसलिए अगर 1 किलो वजन यहां रखे और इधर वाले पलड़े में भी 1 किलो वजन डाल दिया जाए तो ये दोनों क्या रहेंगे वापिस बराबर रहेंगे। इसीलिए अपने समीकरण में भी यही रूल लागू होता है कि दोनों तरफ ही प्लस करें या दोनों तरफ माइनस करें या दोनों तरफ गुणा या भाग, दोनों पक्षों में एक साथ करना है। तो ये देखिए ये प्लस का दो और ये माइनस का दो घट गया, कट गया तो क्या रहा जेड बराबर 6 में से 2 घटे 4। ये आपका हल हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो बने रहिए रिनेवा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।